प्रभु यीशु में आपको शांति हो। आज का हमारा वचन है इफिसियों की पत्री उसका तीसरा भाग उसकी 19 आयत। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। शब्द छोटे हैं पर इसमें बहुत गहराई है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि जैसे प्रभु यीशु थे वैसे ही हम हो जाएंगे, जैसे वो पूरा जीवन निष्पाप रहे, विजयी जीवन जी पाए और परमेश्वर में नया शरीर ग्रहण करके वो उठे, हम भी प्रभु यीशु की तरह बन सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं और नया जीवन पा लेते हैं। परमेश्वर तब तक शांत नहीं बैठता जब तक हम नया जीवन पा ना ले, पापों से छुटकारा ना पा ले और एक विजयी का जीवन हम ना जिए तब तक, क्योंकि विजयी का जीवन देने के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना है। जब हम नया जीवन पाते हैं तभी से हमारा एक चाल प्रभु के साथ चालू हो जाता है। उससे पहले तो हम परदेसी थे और पराए थे, पर हम अब प्रभु यीशु के साथ हो लेते हैं। पूरा नया जीवन, नई तरह की चाल हमारी परमेश्वर के साथ चालू होती है, जहाँ पे सब कुछ नया होता है, हमारा पुराना जीवन चला जाता है और हम नई रीति से जीते हैं। हम सारे ही उन बातों से जो कभी हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ थी, सारी उन कसौटियों से, सारे ही उन पापों से हम विजयी का जीवन जी पाते हैं। हम प्रभु के साथ उसके जैसे हो पाते हैं। पहले हमारे लिए पाप पे विजय पाना बड़ा मुश्किल होता था, पर अब ये हो पाता है। ये नई बात कहाँ से आई? ये नया जीवन कहाँ से आया? ये बपतिस्मा के द्वारा जब हम नया जीवन पाते हैं तो हमारा सब कुछ नया हो जाता है, पुराना पीछे छूट जाता है, क्योंकि हम मर गए और हमने नया जीवन पा लिया है। जिस पराक्रम से प्रभु मृत्यु में से जिंदा हुए, उसी पराक्रम से हम प्रभु यीशु की शक्ति को पाते हैं और सारे ही पाप कसौटी और परीक्षण के ऊपर विजय पाते हैं। ये कब होता है? जब हम प्रभु यीशु के साथ अपना अच्छा समय बिताते हैं, केवल प्रेयर में नहीं, पर ऐसा अच्छा समय कि जहाँ केवल आप और परमेश्वर है, जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, इस तरह का समय कि जहाँ आप प्रभु यीशु के प्रेम की गहराइयों में डूब जाएं, जहाँ केवल आप और परमेश्वर बात करें और कोई बात नहीं और कोई डिमांड नहीं, बस प्रभु का भजन करें, चाहे समय कितना भी हो पर प्रभु के साथ एक होके उसके साथ लंबा समय बिताए और वो उसकी शक्तियाँ, उसका पराक्रम आपको देता जाता है और आप धीरे 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 भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाते हैं। ये कब होता है? जब आप और परमेश्वर एक होते हैं तब। मान लीजिए एक पेड़ होता है, वो पेड़ अपनी जड़ें जमीन में डाले होता है, वो अंदर तक घुसाया हुआ होता है। जब तूफान आता है तो पेड़ को कुछ नहीं होता, वो मुड़ जाता है और सीधा हो जाता है वापस से, पर उसको उखाड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी तूफान आए पर वो उखड़ता नहीं है। और जितनी बार भी जब भी तूफान आता है वो अपनी जड़ें और अंदर तक घुसा देता है, वो जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें दूर दूर तक घुसाता जाता है और जड़ें उसकी और मजबूत हो जाती है, ताकि कितना भी बड़ा तूफान आए तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि पेड़ को कुछ नहीं होता। हम भी परमेश्वर के अंदर अपनी जड़ें घुसा के रखें, उनमें इतने अंदर तक चले जाए कि पाप परीक्षण कसौटी ये संसार की अट्रैक्शंस हमें हिला ना पाए, पर हम प्रभु से ऐसे जुड़े रहे कि कोई हमें अलग ना कर सके। पौलुस कहता है कि केवल यीशु को मैं जानूं और उसकी जी उठने की शक्ति को, प्रभु का वो सामर्थ्य जिस सामर्थ्य से, जिस आत्मा से परमेश्वर को उठाया गया। रोमन 8:12 में कहता है कि जिस आत्मा से प्रभु यीशु को मृत्यु में से उठाया गया, उसी आत्मा से वो भी हमें एक नया शरीर देगा। जब हम विजयी का जीवन पिता के, जब हम मृत्यु होगी और उसके बाद परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा, जिस तरह का शरीर प्रभु यीशु का है उसी तरह का शरीर, और हम प्रभु यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और हमारा जीवन जब बदल जाता है तब बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है, जैसे हम और नम्र होते हैं और हम धीरज से काम करते हैं और प्रेम से रहते हैं। जिन लोगों के प्रति हमें बड़ी कड़वास थी उन सबको भी हम प्रेम करना चालू करते थे, उनके लिए प्रेयर करते, उनके जीवन बच जाए उसके लिए हम प्रभु से विनती करने लगते हैं।
हम और नम्र हो जाते हैं। हमारे में हम नहीं रहते पर परमेश्वर रहता है। यही उसकी ताकत है, यही उसका प्रेम है, यही उसका सामर्थ्य है। आइए उस सामर्थ्य में हम आगे बढ़े, परमेश्वर की उस जी उठाने वाली ताकत को हम महसूस करें। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, हम आप में ही रहे और आप में ही बढ़े ऐसा होने दे। हमारा अच्छा समय प्रभु हम आपके साथ बिताएं, जिससे कि प्रभु हम अपनी जी उठने वाली शक्ति को हम पालें और प्रभु हम आपकी तरह संपूर्णता की तरफ प्रभु जी हम आगे बढ़े ऐसा होने दो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।